अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छो। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे जी। तो मैं आज आपके लिए जिस वीडियो पे रिएक्शन लेके आई हूँ, इसका जो टाइटल है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, EC वर्सेस CC इन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये एक ट्रेन है और ये कैसी है और इसके अंदर क्या फैसिलिटी है, कस्टमर्स को कैसे डील किया जाता है और ट्रेन के बारे में ये आज वीडियो हम देखेंगे और इस पर रिएक्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म की हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितनी भी मैंने देखी है ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लास्ट टाइम जिस वीडियो पर रिएक्शन दिया था ना, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी और उसका जो स्टेशन था वो एयरपोर्ट से सिमिलर था, कुछ ऐसा था। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। 1 2 3 एंड गो। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं गोंदिया रेलवे जंक्शन, जहाँ से हम वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे पेड पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी व्हीकल सेफली पार्क कर सकते हैं। हम ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20825, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के बिलासपुर से नागपुर ट्रैवल करती है। हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। इस ट्रेन का यहाँ पे एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम था 10:28 का, अभी तो 10:30 हैं, तो देखते हैं ये ट्रेन यहाँ पे कितने बजे तक पहुँच जाती है। तब तक हम वेटिंग रूम में वेट करते हैं। ये है क्लास 1 का वेटिंग रूम और ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। ये है क्लास 2 का वेटिंग रूम। यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 10:57 और फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। कितनी सुंदर ट्रेन है। गोंदिया से नागपुर हम AC चेयर कार से ट्रैवल करने वाले हैं और रिटर्न नागपुर से गोंदिया आते टाइम एग्जीक्यूटिव चेयर कार से ट्रैवल करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन दोनों क्लास का कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो गाइज, ये है AC चेयर कार कोच। यहाँ पे ये रॉयल ब्लू कलर के सीट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले हमें दी गई है ये वाटर बॉटल एज अ वेलकम ड्रिंक। इस ट्रेन में दिए गए हैं ये ऑटोमेटिक डोर्स, ये चीज मुझे काफी पसंद आई। ये ट्रेन सुबह 7:15 बिलासपुर से निकलती है और दोपहर 12:15 नागपुर पहुंचती है। बीच में ये ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशन पे ही रुकती है, जो है रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, रांजनगांव जंक्शन और गोंदिया जंक्शन। टोटल ये ट्रेन 412 किलोमीटर का डिस्टेंस 5.5 घंटे में कवर करती है। टिकट फेयर की अगर बात करें तो AC चेयर कार क्लास की टिकट प्राइस है ₹455 पर पर्सन। इस टिकट फेयर में सिर्फ स्नैक्स इंक्लूडेड है, लंच इंक्लूड नहीं है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। कोच के मिडल में जो चेयर्स हैं, यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग वाले टेबल्स दिए हैं। वाओ। और बाकी चेयर्स को ऐसे सीट्स के पीछे की तरफ टेबल्स दिए हैं,
जिसमें आप अपना लंच और स्नैक्स अच्छे से रख के खा सकते हैं। तो अभी हमें दिया गया है ये स्नैक्स, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये है मैंगो फ्रूट जूस विद पेपर स्ट्रॉ। ये है इंस्टेंट टी प्रीमिक्स जिंजर फ्लेवर, जिसमें चाय पत्ती और शुगर सब मिक्स रहता है। ये है वेज कटलेट। वाओ, अच्छा लग रहा है खाना। ये है उपमा। टोमेटो केचप, नमक और ब्लैक पेपर, टिश्यू पेपर, एक बड़ा सा स्पून और ये खट्टा वाला दही। ये एक कप हॉट वाटर दिया है चाय बनाने के लिए। सभी स्नैक्स की टेस्ट अच्छी थी, सिर्फ मुझे ये चाय की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था सिर्फ जिंजर वाला पानी पी रहे हैं। यहाँ पे ये सीट्स के नीचे की तरफ चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। विंडोज के ऊपर की तरफ ऐसे ये कर्टन्स दिए हैं, जितनी भी हाइट पे आप इसको रखना चाहो आप रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ ऊपर की तरफ ये लाइट्स दी गई हैं। वॉशरूम में आने के बाद सबसे पहले आपको देखने मिलेगा ये बड़ा सा मिरर। यहाँ पे ये सोप कंटेनर दिया है। ये है सिंक, यहाँ पे अच्छे से पानी आ रहा है। ये है हैंड ड्रायर, इसमें आप अपने हाथ अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया है और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन भी दिया है। इस ट्रेन में इंडियन और वेस्टर्न दोनों टाइप के टॉयलेट्स हैं। गोंदिया से नागपुर ट्रैवल करते टाइम बीच में कई छोटे मोटे स्टेशन दिखाई देते हैं, लेकिन ये ट्रेन इन किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती। गोंदिया से निकलते ही ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन नागपुर स्टेशन पे जाके ही रुकती है। अभी टाइम हो रहा है 1:09 और फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नागपुर स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट है। नागपुर से गोंदिया हम सेम ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। इस ट्रेन का नंबर है 20826। ये ट्रेन अभी दोपहर 2:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकलेगी। अभी हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार को से ट्रैवल करने वाले हैं। इस क्लास का टिकट फेयर है ₹870 पर पर्सन। इस क्लास की चेयर्स एसी चेयर कार कोच की चेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस दिया है, जो एसी चेयर कार कोच में इतना ज़्यादा नहीं था। ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले हमें दिया है ये न्यूज़पेपर। अभी यहाँ पे ये दे रहे हैं वाटर बॉटल। यहाँ सामने की तरफ है ये वाटर बॉटल होल्डर और ये पॉकेट, जिसमें आप अपना न्यूज़पेपर और बाकी सामान भी रख सकते हैं। काफी अमेजिंग है। खाने में सबसे पहले हमें दिया गया है इंस्टेंट सूप। सूप बनाने के लिए यहाँ पे ये दिया जा रहा है गर्म पानी। ये इंस्टेंट टोमेटो फ्लेवर सूप है। इसके साथ ही बटर, ब्रेड स्टिक, हैंड सैनिटाइजर, साल्ट और ब्लैक पेपर सैशे भी दिए हैं। इस टोमेटो सूप की टेस्ट काफ़ी अच्छी थी। यहाँ दोनों सीट्स के बीच में ये चार्जिंग पॉइंट दिया है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। इस क्लास में भी विंडो कर्टन सेम प्रोवाइडेड है और यहाँ पे ये लाइट भी सेम दी गई है। इस क्लास की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये 180 डिग्री रोटेटिंग चेयर्स। यहाँ पे सीट्स के नीचे की तरफ एक लीवर दिया हुआ है, उसको प्रेस करते ही ये चेयर्स रोटेट हो जाएंगी।
वॉशरूम्स की अगर बात करें तो दोनों क्लास की वॉशरूम सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है और ट्रेन ड्राइवर से बात करनी है तो यहाँ पे ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट दिया है, ये सिर्फ आप इमरजेंसी के दौरान ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एड किट भी दिया है। जबरदस्त हो गया। अभी हमें लंच सर्व किया जा रहा है। लंच में हमने वेज ऑप्शन चूज किया था। टिकट बुक करते टाइम ही आपको वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए इसको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं लंच में हमें क्या क्या दिया है। ये है मिक्स वेज पिकल, ये है वेट वाइप्स, गुलाब जामुन, दाल, राइस, मिक्स वेज सब्जी, ये है मसाला पनीर, रोटी और ये दही। खाना बहुत ही टेस्टी था। खाने के बाद लास्ट में हमें दिया है ये बटरस्कॉच फ्लेवर्ड आइस क्यूब, ये तो काफी यम्मी था। अमूल तो अभी टाइम हो रहा है 4:08 और हम ऑन टाइम पहुंच चुके हैं गोंदिया जंक्शन पे। सो गाइज, ये था हमारा एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास वर्सेस एसी चेयर कार क्लास का ब्लॉग। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा क्लास ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। जी तो हमारी जो वीडियो थी वो ख़त्म हो गई हुई है और काफ़ी मज़े की वीडियो थी। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो से। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कैसी है, यानी कि उसका ECU वर्सेस जो CC है वो उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था वीडियो में। सबसे पहले मैं इंडिया की ट्रेन्स की बात करना चाहूँगी। अगर हम इंडिया की ट्रेन्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस ट्रेन्स इस्तेमाल की जा रही हैं इंडिया में, और यहाँ पर ट्रैवल के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया की ही इंडिया ही कह रही हूँ, मतलब जो ट्रेन्स है उसका पे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और उसको पसंद करते हैं ट्रेन पे सफ़र करना, क्योंकि इतनी एडवांस ट्रेन हो तो क्यों ना कोई चाहेगा सफ़र करना। और अगर हम बात करते हैं कि दोनों क्लास में डिफरेंस क्या था, तो तकरीबन सिमिलर्स लग रही थी, सिर्फ जो कुछ चीज़ों का ही फ़र्क था। जैसा कि अगर इसी क्लास में देखा जाए तो उनमें जो चेयर्स थी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि जो CC क्लास की थी वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी EC क्लास से। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला था। इसके अलावा इसमें जो देखने को मिला था वो ये था कि लंच जो मिलता है वहाँ पे स्नैक्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्नैक्स के अलावा लंच भी सर्व किया जाता है और फिर आपको मीठे में भी खाने को मिला, और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और फूड जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन मैं कहूँ ना तो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतना प्रोटोकॉल शायद प्लेन्स में भी ना मिलता हो जितना यहाँ ट्रेन्स में मिल रहा है इंडिया की। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो देख के मज़ा आया, और चेयर्स जो थी वो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और साथ में CC क्लास की तो रोटेट हो जाती हैं, चाहे आप किसी भी साइड पे रोटेट करके बैठ सकते हो, किसी भी एंगल में आप जहाँ बैठ जैसे बैठना चाहो आप बैठ सकते हो, अपनी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो चेयर को, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जैसे आपने देखा कि वो टेबल भी EC क्लास के जो थे वो टेबल भी फोल्डिंग वाले थे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर दोनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, आजकल ज़्यादातर लोगों के पास गैजेट्स होते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं गैजेट्स और सफ़र में भी बोर ना हो इसके लिए भी गैजेट यूज़ करते हैं, तो उनकी बैटरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है जैसे कि हम सब जानते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने जो थे सर्किट जो थे प्रोवाइड किए हुए थे, चार्जिंग सर्किट लगे हुए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जो CC क्लास में था उसमें आपकी चेयर के बिल्कुल साथ ही आपको मिल रहा था सर्किट, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्या बिल्कुल आप अपनी सारे मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, आपको इसमें कोई मसला नहीं होने लगा, अगर आपका मोबाइल की बैटरी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी मुझे उसका। फिर इसके अलावा अगर हम स्टेशन की बात करें, स्टेशन भी अच्छा था,
मतलब जो मैंने पहले वाली एक ट्रेन देखी थी ना, तो उसकी निस्बत ये वाला स्टेशन थोड़ा नॉर्मल लग रहा था देखने में, लेकिन रेस्ट रूम जो थे वो अच्छे थे, वहाँ पे अलग से सेपरेट से टॉयलेट भी था वन क्लास वालों के लिए, फर्स्ट क्लास वालों के लिए, और जो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ओवरऑल। तो आपने लाजमी मुझे बताना है आपको एसी क्लास ज़्यादा पसंद आई या सीसी क्लास, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ इस चीज़ पर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं जिस वीडियो पर आप कहेंगे मैं आपके लिए उस वीडियो पे रिएक्शन भी दूंगी। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन लास्ट में प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।